गलियारों में आज क्या कुछ है खास, आइए डालते हैं एक नजर बॉलीवुड बस के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं कीर्ति एक बार फिर से हाजिर हूँ बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स लेकर के। दीपिका पादुकोण ने अपनाया अनुष्का शर्मा का एंगेजमेंट लुक। दीपिका की इस तस्वीर को देखकर आपको एक बार फिर से हो जाएगा उनसे प्यार। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हमेशा से अपने फैशन स्टेटमेंट को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं और एक बार फिर से अपनी इंस्टाग्राम पर शेयर की हुई लेटेस्ट तस्वीर को लेकर वो चर्चा में आ गई। दीपिका की इस तस्वीर की बात करें तो उन्होंने रेड वेलवेट साड़ी पहनी है और बालों का जूड़ा बनाया हुआ है। इसके साथ ही उनके जूड़े में गुलाब भी नजर आए। दीपिका की इस तस्वीर को देखने के बाद फैंस का कहना है कि दीपिका से पहले भी इस लुक को अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अपना चुकी है। इस तस्वीर को देखते हुए लोगों को अनुष्का शर्मा की सगाई का लुक याद आ गया। अनुष्का शर्मा ने फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी की डिजाइन की हुई रेड वेलवेट साड़ी पहनी हुई थी और बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। दीपिका को फैंस वेस्टर्न से ज्यादा ट्रेडिशनल लुक में पसंद करते हैं। दीपिका भी अक्सर अवार्ड फंक्शंस के लिए स्टार पार्टीज में ट्रेडिशनल लुक में नजर आती रहती है। दीपिका पादुकोण इन दिनों अभिनेता रणवीर सिंह के साथ अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा चर्चे में है और खबरें ये भी है कि इस साल नवम्बर में दोनों शादी के बंधन में बन सकते हैं। बढ़ते हैं मनोरंजन की अगली खबर की ओर। T20 में जैसे ही भारत ने इंग्लैंड को रौंदा, वैसे ही मैदान में उतर करके अनुष्का ने लगाया विराट को गले। एक बार फिर से देखने को मिला बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के बीच का प्यार। अनुष्का शर्मा फिल्म सुई धागा और जीरो की शूटिंग पूरी करने के बाद हस्बैंड विराट के साथ इंग्लैंड में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। वो मैच देखने के लिए स्टेडियम भी पहुंची, जहां उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम का हौसला भी बढ़ाया। भारतीय क्रिकेट टीम ने जैसे ही मैच जीता, वैसे ही अनुष्का ने ग्राउंड में पहुंचकर विराट कोहली को कस के गले भी लगाया। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के इस प्यार भरे मोमेंट को कैप्चर भी किया गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है। बढ़ते हैं मनोरंजन की अगली खबर की ओर। शुरू हुई फिल्म हाउसफुल 4 की शूटिंग, जाने क्या है फिल्म की स्टार कास्ट और कब है फिल्म की रिलीज। सुपरस्टार अक्षय कुमार स्टारर हाउसफुल 4 की शूटिंग शुरू हो गई है। अक्षय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। हाउसफुल 4 में बॉबी देओल भी अभिनय करते हुए नजर आएंगे। वहीं हाउसफुल सीरीज की हर फिल्म में अपनी छाप छोड़ने वाले रितेश देशमुख भी इस बार धमाकेदार कॉमेडी से दर्शकों को लोटपोट करेंगे। हाउसफुल सीरीज की इस फिल्म में बॉबी देओल पहली बार काम करते हुए नजर आएंगे। हाल ही में बॉबी देओल को सलमान खान की फिल्म रेस 3 में देखा गया था। अगर बात करें कॉमेडी फिल्मों की तो बॉबी देओल यमला पगला दीवाना सीरीज और हम तो मोहब्बत करेगा जैसी फिल्मों में कॉमेडी करते हुए नजर आ चुके हैं। बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की तो इस फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल के अलावा कृति सैनन और कृति खरबंदा नजर आने वाली है। खबरें हैं कि अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 अगले साल दिवाली पर रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म गोल्ड की प्रमोशंस में काफी ज्यादा व्यस्त चल रहे हैं और ये फिल्म 15 अगस्त 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।